तो गाइस आज मैं आया हूँ दिल्ली के एयरफोर्स म्यूजियम में। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में यूज किए गए सभी रिटायर एयरक्राफ्ट जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर और भी बहुत सी पुरानी चीजें मौजूद है भाई, जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा युद्ध में यूज की गई है। और यहाँ पर पाकिस्तानी टैंक और कुछ व्हीकल रखे गए हैं। क्यों रखे गए भाई, आगे आपको वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। और एक ऐसी चीज गाइस जो मैंने आज तक किताबों में पढ़ी थी लेकिन वो भी मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिली, कैसे आप लोग पहुंच सकते हैं यहाँ पे, क्या टाइमिंग रहने वाली है। तो करते हैं गाइस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस ये एंट्री गेट है म्यूजियम का भाई, अंदर एंट्री करते ही गेट पे एक ऑफिसर मिलेंगे जो आपसे आपकी आईडी मांगेंगे। खाली आपको अपनी आईडी दिखानी है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद आपको एंट्री करनी पड़ती है, यहाँ पे साइड में लिखना पड़ता है आपका फोन नंबर, आपका नाम, कहाँ से आप लोग आए हो। उसके बाद एंट्री मिल जाती है अंदर के लिए। सामने टिकट काउंटर है, अडल्ट का जो है वो 30 रुपए का टिकट है और बच्चों का जो 3 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनका टिकट है 15 रुपए का। गाइस तो मैंने जैसा बताया आपको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो भी युद्ध में या वैसे भी यूज किए गए जितने भी उपकरण सारे के सारे आपको इस म्यूजियम में देखने के लिए मिलेंगे। और भी काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आप लोग अब वीडियो के अंदर देख रहे हैं ये जीप या फिर ये टैंक या कुछ जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वाले सेक्शन में, ये सारा का सारा पाकिस्तान का है गाइस। और ये यहाँ पे आया कैसे, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था कि इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया था। यानी कि जैसे गाइस युद्ध हुआ तो उसमें जो चीज़ें छोड़ के वो लोग चले गए होंगे पाकिस्तानी, तो ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे हिंदुस्तान में लेके आई गई है, जो कि एक म्यूजियम में रख दी गई है जो कि दिल्ली में है। ये म्यूजियम जो आप लोग देख रहे हैं ये दिल्ली में एयरपोर्ट के पास है, नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन है, या तो आप टर्मिनल 1 पे जा सकते हैं या फिर सदर बाजार, इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप लोग विजिट करते हैं, जैसे कि ये पाकिस्तानी किसी जेट या किसी एयरक्राफ्ट का ही ये विंग है, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। बाकी आप लोग बताना क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ था। तो सारी चीज़ें जितनी भी पाकिस्तान की युद्ध में वो लोग छोड़ के चले गए सारी इस म्यूजियम में रख दी गई है, एक सेक्शन बना दिया गया। और इधर की साइड ये जो हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स के हैं जो रिटायर हो चुके हैं वो लगा दिए गए हैं भाई, सारे खड़े हैं, लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते, दूर से देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे और इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं गाइस, सब बोर्ड लगे हुए हैं सब जगह। और इस साइड में अगर आप लोग आएंगे तो अंदर जब आप लोग जाएंगे जो लोग शहीद हो चुके हैं यहाँ पे उनकी जैसे वर्दी होती है आप लोग देख सकते हैं और लिखा हुआ भी है नीचे सारा कुछ, या जो वीर चक्र से सम्मानित लोग हैं उनके फोटो लगे हुए हैं बहुत सारे फ्रेम में, ये जो आप लोग देख रहे हो वीडियो के अंदर। और यहाँ पे जो भी एक एक चीज आप लोग देख रहे हैं ना गाइस वो सारी यूज की गई है, जो भी इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्स के द्वारा युद्ध में यूज की गई है कुछ, और जो भी है सारा कुछ वही है। मैंने अंकल से पूछा, बोले सब असली है और सब यूज की गई व्हीकल्स हैं या फिर गन्स हैं या फिर जो भी चीज आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो अगर आप लोग भी घूमना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको भाई दिल्ली, और दिल्ली में आपको एयरपोर्ट के नियर बाय आना है, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में रनवे के पास में ही है ये एयरपोर्ट के, तो आप यहाँ आ सकते हैं नियर बाय मेट्रो स्टेशन जैसे मैंने आपको बताया है, या तो आप टर्मिनल 1 पे आए वहाँ से बहुत करीब है, या फिर सदर बाजार वहाँ पे आ जाएं आप लोग, वहाँ से बहुत करीब है। मैं आ चुका हूँ गाइस बाहर और मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ बाहर भी कुछ एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं यहाँ पे जो रिटायर हो चुके हैं वही है सब। तो भाई आज ये लोग म्यूजियम में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया होगा, इनसे काम कराया गया होगा। तो मैं आ चुका हूँ वर्स हाउस के अंदर गाइस, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं, जो भी सारी चीज़ें सारी पुरानी है, बहुत मज़ा आ रहा था भाई देखने में, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको बताई थी किताबों में पढ़ी है साइंस की, मैंने और आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, वो भी दिखाता हूँ मैं। तो ये है गाइस अपोलो लूनर मॉड्यूल, जिसमें मतलब आप लोगों ने देखा होगा साइंस की एक बुक थी कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, इस पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी दिख जाएगा आपको, जो चांद की धरती पे जो पहली बार जो व्यक्ति उतरे थे इसमें बैठ के उतरे थे, और ये भारत में विकसित किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पहुंच कर देता हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ईगल का मॉड्यूल जो चांद पर जाने हुए चलने वाले पहले मानव को ले गया था 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की उड़ान के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन ईगल पर बैठकर चांद की धरती पर उतरे। ये मॉड्यूल भारतीय शिल्पियों द्वारा भारतीय पदार्थों से यानी कि भारत में बनाया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने यानी कि अमेरिका के लोगों ने भारतीय वायुसेना को भेंट में गिफ्ट कर दिया, मतलब ये इसमें लिखा हुआ गाइस इस तरीके का। तो भाई जब मैं 5 या 6 क्लास में था तो साइंस की किताब थी विज्ञान की, उसमें ये मैंने पढ़ा था भाई, और आज मैंने अपनी आंखों से देखा, अचानक ही देख लिया, मेरे को पता नहीं था। तो गाइस मैं तो बहुत खुश हूँ यार, ये एक फीलिंग अलग है,
जो हमने बचपन में पढ़ा और उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये बिल्कुल रियल वही है। ऐसा नहीं है कि ये डमी बना के रखते हैं क्या भाई, ये रियल म्यूजियम है गाइस दिल्ली का। आप लोग भी आए विजिट करें, काफी हिस्टोरिकल चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी और काफी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे एयरक्राफ्ट के बारे में, क्या हर एक चीज के बारे में आपको हर एक चीज के बारे में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप लोग वीडियो वगैरह तो बना सकते हैं, रील्स फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं भाई, इतना ज्यादा टिकट महंगा नहीं है, मैंने जैसे बताया 30 रुपए का टिकट है। और भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी चीज इस म्यूजियम के अंदर सजाई गई है। तो ये सीढ़ियाँ गाइस ऊपर जाने की, मतलब यहाँ पे बना के रखी है कि ऊपर से अच्छा व्यू आता है, सारे एयरक्राफ्ट आप लोग एक साथ देख सकते हैं या एक साथ वीडियो बना सकते हैं। तो ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ कैसा व्यू आ रहा है यहाँ का। तो ऐसा ही है भाई म्यूजियम, और बाहर की तरफ भी कुछ एयरक्राफ्ट है, मैं भी लेके चलूँगा। और ये बगल में जो आप लोग देख रहे हैं ना, जहाँ से ये रोशनी आ रही है, तो ये जो विंडो सी लगी हुई है, ये बिल्कुल एयरपोर्ट का जो रनवे ना उसकी ये दीवार है गाइस, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब में ही है। तो अंदर ही दूसरी तरफ साइड में जब आप लोग अंदर जाएंगे इसके वर्ष हाउस के अंदर, और जब बाहर की तरफ निकलेंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे भी काफी सारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। और भाई ये देख रहे हो आप लोग कैसे कैसे एयरक्राफ्ट यहाँ पे, इनकी चोंच देख रहे हो, ये इनकी चोंच। तो ये था गाइस दिल्ली का एयरफोर्स म्यूजियम, यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। मैंने जो व्लॉग बनाया इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है, क्योंकि अगर मैं पूरा एकदम डिटेल्स में व्लॉग बनाऊँगा तो कम से कम 2-3 घंटे से भी ज़्यादा की फिल्म बन जाएगी, पूरी मूवी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बताया, ताकि आप लोग विजिट करें तो आपके दिल में एक्साइटमेंट रहे, ऐसा कि व्लॉग में देख के ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक्साइटमेंट, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए एक शॉर्ट व्लॉग था आप लोगों को बताने के लिए, जो लोग नहीं आ सकते वो थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। बाकी आपको अगर और भी कुछ जानना है तो वर्ष हाउस के अंदर फिर एक हाउस और ही है, यहाँ पे भी बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जो लोग इंटरेस्ट मतलब रखते हैं इन चीज़ों में वो पढ़ सकते हैं भाई, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो टाइमिंग है सुबह गाइस 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक की, आप लोग इजीली आ सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।